बसमानी आज़ाद कश्मीर के मेरे भाइयों मेरी बहनों अस्सलाम वालेकुम आप सब जानते हैं कि मेरा आपके साथ एक बड़ा गहरा और मोहब्बत भरा रिश्ता है और ये रिश्ता आम रिश्ता नहीं है बल्कि ख़ून का रिश्ता है हमारी मोहब्बत की गवाही वो मनाज़र दे रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन में देखने को मिले और आपने जिस खलूस से मरीम नवाज़ शरीफ का और मुस्लिम लीग नून के कायदीन का आज़ाद कश्मीर में इस्तबाल किया आपने वो शानदार और फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करके मेरा मान रखा मुस्लिम एक नून का मान रखा और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की आवाज़ बनकर दिखाया मेरे पास आज अल्फाज नहीं है कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं और मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको गले के साथ लगाऊं मेरे भाइयों और आपका ये जोश ख़रोश ये वलवला मुझे पाकिस्तान के एक रोशन मुस्तबिल की नवीद दे रहा है आपको मालूम है कि कैसे हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान को उन धेरों से निकाल कर रोशनी में ला खड़ा किया था और फिर चंद आइन शिकनों ने 2018 के इलेक्शन को चोरी कर लिया पाकिस्तान को यानी अच्छे भले पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली के पटरी से उतारा और एक नालायक ना अहल ना और अनाड़ी की हार को जीत में बदला और उसे 22 करोड़ अवाम के सर पर ला बिठाया और जिसका खमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है और ख़मियाज़ा किस शक्ल में भुगत रही है महंगाई की शक्ल में गुरबत और बेरोज़गारी की शक्ल में बदअमनी की शक्ल में हर लिहाज से अब ये सजा भुगत रही है कौम आज़ाद कश्मीर के मेरे भाइयों और बहनों आज अब वोट चोरों को निशाने इबरत बनाने का वक्त आ गया है आपका ये काबिल रश्क जज्बा मुझे ये नवीद सुना रहा है कि वोट को इज्जत मिलने की किरण आजाद कश्मीर की सरसब्ज वादियों में फूट चुकी है और जो जज्बा मैंने यकीन माने देखा है ये पिछले दिनों में आजाद कश्मीर में मैं आजाद कश्मीर की तारीख में कभी नहीं देखा पिछले सत्तर सालों में कभी नहीं देखा ना आजाद कश्मीर में और ना पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ये मुकद्दस काम आपसे भी ले रहा है मेरे आजाद कश्मीर के भाइयों क्योंकि इन कश्मीर फरोशों को बेनकाब करना भी एक कौमी ख़िदमत है इन वोट चोरों को बेनकाब करना एक कौमी ख़िदमत है इन आइन शिकनों को बेनकाब करना एक कौमी ख़िदमत है रियासत के ऊपर रियासत चलाने वालों के किरदारों को सामने लाना भी कौमी ख़िदमत है और फिर जमहूरियत को पाओ तले रोनते हुए इन किरदारों को सामने लाना भी कौमी ख़िदमत है ये खिदमत भी है एक इबादत है मैं इसको इबादत का दर्जा देता हूं हमारा फर्ज है कि हम अपनी कौम को अपने मुल्क को ऐसे अनासर से बचाएं, ऐसे अनासर से पाक करें और ये जो हुकूमतें बनाते हैं गिराते हैं इन हकूमतों को बनाने वालों और गिरने वालों को भी कौम के सामने लाना कौमी खदमत है अगर इन्होंने हुकूमतें बनानी हैं और गिरानी है तो फिर आप कौन है फिर आपके वोट का क्या आ, क्या कदर है यही मैं पाकिस्तान के अवाम को भी कहता हूं और मैं आज आजाद कश्मीर के अवाम को बराह रास्त ये बात कह रहा हूं इसको आप जितनी जल्दी समझ आए उतना ही बेहतर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन अल्लाह ताला आपसे ये काम जरूर लेगा ये मेरा ईमान है आजाद कश्मीर के मेरे भाइयों मेरे साथियों आज पूरी कौम और पूरा पाकिस्तान आपकी तरफ देख रहा है और तमाम जुल्म और जबर के बावजूद हाथ से हाथ मिलाकर उम्मीद हौसले और जुरत के साथ आपने आगे बढ़ना है और फिर 25 जुलाई को आपने घरों से निकलना है पूरी तैयारी के साथ पूरे जज्बे के साथ आपने सिर्फ वोट ही नहीं देना बल्कि अपने वोट पर पहरा भी देना है क्योंकि जब वोट चोरी होता है ना तो फिर आपका रोशन मुस्तबिल भी चोरी होता है मेरी बात समझ में आई आपके जब वोट चोरी होता है तो आपका हक चोरी होता है जब वोट चोरी होता है तो आपकी बिजली पानी गैस सब चोरी होते हैं खत्म हो जाते हैं क्योंकि आपको तो कुछ नहीं मिलता पीछे सब ये चोर चोरी कर रहे होते हैं और वो पकड़े गए हैं चोरियों में आपको पता है कि जब वोट चोरी होता है तो आपको पता है कि आटा भी चोरी होता है फिर चीनी भी चोरी होती है और दालें भी चोरी होती हैं दवाइयां भी चोरी होती हैं और ये चोरी होती रही हैं और अब भी हो रही हैं क्योंकि वोट चोरी ना होता तो ये चीजें आज आपकी दस्तरस में होती कोई चीज महंगी ना होती ना आटा महंगा होता ना चीनी महंगी होती ना दालें महंगी होती ना दवाइयां महंगी होती ना बिजली महंगी होती और जब वोट चोरी होता है तो मेरे बहनों भाइयों आपके बच्चों की फीसें भी चोरी होती बच्चों के अखराजात भी चोरी होते हैं आपका रोजगार भी चोरी होता है जब वोट चोरी होता है तो आपके रोजगार पर भी डाका पड़ता है जरा आप मुझे बताएं तो सही जवाब दें मेहरबानी करके आप मुझे कि आजाद कश्मीर की गरीब आवाम ने क्या ईद मनाई अभी ईद दो दिन पहले गुजरी है क्या आपने ईद मनाई और अगर मनाई भी तो किस तरह की ईद मनाई क्या गरीब ने अपने बच्चों को नए कपड़े पहनाए क्या वो पहना सका अपने बच्चों को नए कपड़े क्या गरीब की जेब में कुर्बानी के लिए पैसे थे क्या गरीब अपने बच्चों के पाँव में नई जूती नया जूता पहना सका जो हर बच्चे का शौक़ होता है ईद पे नए कपड़े पहनने का नया जूता पहनने का हर बेटे बेटी का बच्चों का शौक़ होता है क्या वो आप पहना सके उन्हें क्या गरीब के पास अपनी नन्नी मुन्नी बच्चियों को चूड़ियां पहनाने के पैसे थे चूड़ियां महंगी चूड़ियाँ नहीं मैं कांच की चूड़ियों की बात कर रहा हूं क्या उसके लिए भी पैसे थे क्या वो पहना सका उनको चूड़ियां बच्चे तो कहते रहते हैं अबू अम्मी मुझे चूड़ियां पहना के दें मैंने चूड़ियां खरीदनी है ईद आ रही है मुझे जूता लेकर दें कपड़े लेकर दें नए क्या ये सब कुछ मुमकिन हुआ मैं बिल्कुल सीधा सवाल पूछ रहा हूँ और आप अपने दिल से पूछें क्या ये जो है सवाल पूछ रहा हूँ ये ये कोई अनहोना सवाल तो नहीं पूछ रहा मैं आजकल के हालात के मुताबिक रखने वाले ये सवालत हैं मैं वो पूछ रहा हूँ तो मेरे भाइयों बहनों जिन लोगों ने पाकिस्तान के अवाम को इस हाल तक पहुंचाया है अब वो लोग आजाद कश्मीर का रुख करना चाहते हैं लेकिन 25 जुलाई को बता दो उन्हें कि हम तुम्हें आजाद कश्मीर में वोट चोरी नहीं करने देंगे उन्हें बता दो कि हम तुम्हें आजाद कश्मीर में दाखिल नहीं होने देंगे तुम्हारा कोई काम नहीं है आजाद कश्मीर में आजाद कश्मीर को गंदा मत करो आजाद कश्मीर को साफ और सुचा रहने दो और उन्हें बता दो कि हम तुम्हें आजाद कश्मीर खराब नहीं करने देंगे आप बर मेहरबानी मैं दोबारा ये अर्ज कर रहा हूं कि अपने वोट पर पैरा दीजिए और पैरा देकर अपने बक्सा चोरों का रास्ता रोकें इन बक्सा चोरों का इन वोट चोरों का रास्ता रोकें और इन चीनी चोरों का रास्ता रोकें इन आटा चोरों का रास्ता रोकें इन दवाई चोरों का रास्ता रोकें और ये जो नई नई एटीएम मशीनें अब आजाद कश्मीर में आ रही हैं इनका रास्ता रोके ए टी एम क्या आपकी खिदमत कर सकेंगी वो तो खिदमत कर रही हैं, दूसरी तरफ माल खिला रही है एटीएम मशीनें नहीं खुली जा रही हैं, और वो अब आजाद कश्मीर के सफेद का मालिक बनना चाहते हैं मत इजाजत दो इन्हें मत आने दो इन्हें रोको इनका रास्ता अल्लाह तला पर यकीन रखो और इस मुकद्दस मिशन के लिए अपने हर किस्म के खौफ को डर को दिल से निकाल कर बाहर फेंको ताकि इन आइन आइनी आइन शिकनों को पैगाम मिले कि हम गुलामी कबूल नहीं करेंगे हमें गुलामी कबूल नहीं हमें तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े होना है जहाँ तारीख हमारे नाम सुनहरी और राख में लिख लिख सके और हमें अपनी इज्जत नफ्स पर कोई समझौता नहीं करना अगर आपने ऐसा कर लिया मेरे भाइयों बहनों तो मेरा आपसे वादा है इनशा कि ये तारीख रात जल्द ख़त्म हो जाएगी ये बादल छट जाएंगे इनशा एक नई सुबह तलु होगी जिसमें आप और आवाम का राज होगा आपको इज्जत मिलेगी और आपके वोट को इज़्ज़त मिलेगी मैं बिल्कुल दिल की गहराइयों से मैंने ये आपसे बातें की हैं बड़े खलूस से बड़े मोहब्बत से बड़े प्यार से और ये हमारा फर्ज है मेरा भी आपका भी अपने आइन की रखवाली करना अपने मुल्क की रखवाली करना अपनी रियासत की रखवाली करना अपने मुआशरे की रखवाली करना ये मेरा और आपका फ़र्ज है इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं होगा ये मेरा आपसे वादा है और मैं अगर कोई तकलीफ़ काट रहा हूँ तो इसी मकसद के लिए काट रहा हूं अल्लाह ताला आपका हामीनासर हो आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद